नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग एसएस विद राजेश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आपके एग्ज़ाम की तैयारी आगे बढ़ाते हुए हम हिस्ट्री से आज क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं। जैसे कि आपको पता, हमने आधुनिक भारत में अंग्रेजी कंपनियों का आगमन यानी ब्रिटिश कंपनी और पुर्तगाली कंपनी तथा अन्य कंपनियों के आगमन तथा उनके बंगाल के शासकों के साथ संबंध, मराठों के साथ संबंध, मैसूर के साथ संबंध तथा सिखों के साथ संबंध, यहाँ तक हमने मॉडर्न हिस्ट्री में 3-4 टॉपिक कर लिए हैं। चलिए आज हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं कि हम कैसी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में पहले दुर्ग का निर्माण किया था। हमने 1498 में वास्को डी गामा से शुरुआत की थी कि वो कालीकट बंदरगाह पे भारत आए थे, वहाँ के साथ सब जमोरिन ने उनका स्वागत किया था, तो उन्होंने भारत में पहले दुर्ग का निर्माण कहाँ पर किया था? कोच्चि में किया था। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये कालीकट वही है जहाँ कालीकट पे पुर्तगाली आए थे, और ये गोवा जहाँ पे उन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में पुर्तगाली वायसराय था, यानी पहला पुर्तगाली वायसराय, आपने पढ़ा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत के पहले वायसराय रहे हैं, पुर्तगाली वायसराय। उसके बाद आपने पढ़ा है कि अल्बुकर्क बने हैं, वास्को डी गामा पहले आए थे, उसके बाद अल्मेडा के बाद कर्क और उसके बाद कैब्राल, आपने थ्योरी में पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है, और अपनी थ्योरी में आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। जब हमने आप यदि आप मेरी YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले वाली मेरी प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पर आपको इनकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। चलिए, वही चारों ऑप्शन बार बार आ रहे हैं, इसलिए ने सीरीज में याद रखिए, रटिएगा मत, वास्को डी गामा भारत आए, उसके बाद आपने पढ़ा अल्मेडा पहले पुर्तगाली वायसराय थे, उसके बाद अल्बुकर्क बने, उसके बाद कैब्राल बने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, पुर्तगालियों के आगमन से भारत में क्या प्रारंभ नहीं हुआ है? निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। हमने जाना कि उनके आगमन पर भारत में तंबाकू की खेती स्टार्ट हुई, जहाज निर्माण स्टार्ट हुआ, प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई, लेकिन चाय की खेती भारत में अंग्रेजों ने स्टार्ट की है। आगे बढ़ते हैं, पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया? जस्ट अभी हमने जिस डिस्कस किया था, जब हम ऑप्शंस के बारे में देख रहे थे, तो आपको पता है कि उन्होंने गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया था, और उसके बाद आपने पढ़ा है कि सूरत में अंग्रेजी फैक्ट्री लगाई गई थी पहली, फ्रांसीसी फैक्ट्री भी सूरत में ही लगी थी, कालीकट में वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे, बम्बई आपने पढ़ा कि पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज में दी थी, हमने पढ़ा था। आज हम बम्बई के संस्थापक के बारे में भी जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहला डच कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ? आपने जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो पढ़ा था कि पहला जो डच कारखाना है वो मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, डचों द्वारा भारत में किसका निर्यात नहीं किया जाता था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है कि डचों द्वारा भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र निर्यात किए जाते थे, जबकि अफीम भारत में अंग्रेजों ने निर्यात करना स्टार्ट किया था, और वो भी आपने 9th NCERT में पढ़ा था कि यूरोप में चाय की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और वो क्या करते थे, भारत से अफीम उगवा करके चीन में अफीम निर्यात करके वहाँ से चाय लेकर के फिर यूरोप में भेजते थे, हमने पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ भी आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, डचों और अंग्रेजों के मध्य किस युद्ध से डचों को भारतीय व्यापार से निष्कासित कर दिया गया था? अभी अभी हमने पढ़ा कि वो डच जो है वो मछलीपट्टनम में उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की, नील, सोरा, सूती वस्त्र भारत से निर्यात करते थे,
लेकिन अंग्रेजों ने उनके साथ लड़ाई स्टार्ट कर दी। और उस लड़ाई में, कौन सी लड़ाई में, उन्होंने वेदरा की लड़ाई में, डच और अंग्रेजों के बीच हुई वेदरा की लड़ाई में डच हार गए और वो भारतीय व्यापार से निष्कासित हो गए। आपने पढ़ा पलासी की लड़ाई, तो फिर सराजू दोला और कंपनी के बीच हुई। और फिर आपने पढ़ा कि जो मीर कासिम और कंपनी के बीच बक्सर की लड़ाई और कर्नाटक के युद्ध, तो आपको पता है कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों ने भारत में पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ पर, सूरत में। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सूरत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री भी लगी थी और फ्रांसीसी कारखाना, फ्रांसीसी फैक्ट्री भी लगी थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हमने पढ़ा था थ्योरी में कि नेतृत्व डुप्ले कर रहा था। और फिर आपने पढ़ा था कि डुप्ले जब हार जाते हैं तो उसके बाद अगले गोदेहू के रूप में अगले फ्रांसीसी नेतृत्वकारी आते हैं। आगे बढ़ते, डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था, सेरामपुर पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही। आपको पता है पुर्तगाली भारत आए, फिर डच भारत आए। डचों के बारे में आज आपने पढ़ा कि अल्मेडा, उसके बाद अल्बुकर्क और कैब्राल आदि उनके वायसराय रहे हैं। फिर अंग्रेज कंपनी 1600 में भारत आई, और फिर डेन कंपनी, और फिर फ्रांसीसी कंपनी। इस प्रकार ये क्रम सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कब से कब तक रहा, आपने पढ़ा कि वो जहांगीर के दरबार में 1616 से 1618 तक रहा। मुंबई का संस्थापक गोराल्ड ओंगियर हमने पढ़ा था, और ये सर टॉमस रो तो आपको पता है कि जहांगीर के दरबार में आने वाले दरबारी थे, अंग्रेजी दरबारी थे। और उसके बाद फ्रांसिस डे आपने पढ़ा था कि मद्रास के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था, तो आपको पता है कि बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर विलियम हेजेज था। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विलियम हेजेज। और आपको पता है कि कलकत्ता के संस्थापक जॉब चॉरनॉक हैं। और क्लाइव तो फिर आपको पता है कि पलासी की लड़ाई के दौरान कंपनी के गवर्नर थे। चलिए 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम, आपने पढ़ा था कि किलेबंद बस्तियां बनाई अंग्रेजों ने भारत में। और आपने पढ़ा कि दो बस्तियों के बारे में पढ़ा, फोर्ट विलियम और सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज मद्रास और फोर्ट विलियम कोलकाता। तो आपको पता है कि फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर कौन था, सर चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर थे उनके। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम का गवर्नर आपने पढ़ लिया है कि चार्ल्स आयर थे। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के अंग्रेजों के संबंध में किस मुगल अधिकारी की टिप्पणी थी कि यह नीच झगड़ालू और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। ये मुगल अधिकारी रहे हैं शाइस्ता खां। और आपको पता है सिराजुद्दौला, मीर कासिम और अलवर्दी खां ये बंगाल के नवाब रहे हैं, और जबकि ये बंगाल का मुगल अधिकारी रहा है शाइस्ता खां। आगे किस मुगल सम्राट द्वारा कंपनी को प्रदत्त फरमान अंग्रेज कंपनी का महाधिकार पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और आपने पढ़ा कि अंग्रेजी कंपनी को महाधिकार पत्र फरुखशियर ने प्रदान किया था, जिसके तहत उन्होंने बहुत सी व्यापारिक छूटें प्रदान की थी ताकि वो क्या कर सकें, बिना टैक्स फ्री ट्रेड कर सकें। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता का संस्थापक, आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कलकत्ता के संस्थापक कौन रहे हैं, जॉब चॉरनॉक रहे हैं। जॉब चॉरनॉक
और आपने पढ़ा कि कलकत्ता के गवर्नर रहे थे विलियम हेजेज, क्लाइव कंपनी के गवर्नर, सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आने वाले अंग्रेज राजदूत। उसके बाद मद्रास का संस्थापक, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रांसिस डे जो है वो मद्रास के संस्थापक हैं, और आपने पढ़ा था कि फ्रांसिस मार्टिन जो है वो पुदुचेरी के संस्थापक हैं, मेरी पहले वाली वीडियो थ्योरी में आपने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं हम। काल कोठरी त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजडी की घटना कब हुई, सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार एग्जाम में हमने देखा है कि 20-21 जून 1756 को एक सिराजुद्दौला ने एक त्रासदी की जिसमें बहुत से लोगों को एक काल कोठरी में रोक दिया था, जिसमें हालवेल नाम के अंग्रेज अधिकारी भी शामिल थे, जिसे ब्लैक होल ट्रेजडी कहा जाता है। और 21 जून 1756, आज जमाना गया कि 1756 आएगा, 21 जून भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध, आपको पता है कि 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई, और अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व क्लाइव कर रहे थे, जबकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला उस समय थे। और आपने पढ़ा था कि मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला हार गए। आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध, आपको पता है कि फिर जैसे आपने पढ़ा था कि मीर जाफर को बना दिया गया नवाब, अब मीर जाफर 2-5 करने लगा तो मीर कासिम को नवाब बना दिया, और मीर कासिम 2-5 करने लगा तो उससे लड़ाई शुरू कर दी अंग्रेजों ने, और मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में जो बक्सर का युद्ध हुआ, आपको पता है कि 23 अक्टूबर 1764 को, वो 23 जून है, ये 23 अक्टूबर है, याद रखिएगा 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सभी पॉइंट क्लियर हुए होंगे। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग अहेड।